हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टैरो 777। मैं हूँ नेहा। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे कैसा रहेगा ये हफ्ता, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, फ्रॉम 9th of November से लेके 15th of November तक। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि क्या है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। नाउ इट्स अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरी वन हु इज वॉचिंग, सो प्लीज़ टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, समहाउ आई एम फीलिंग लाइक किसी चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही है, समथिंग लाइक दैट। ऑल्दो यू आर डूइंग योर वर्क और ऑल्दो यू आर डूइंग व्हाट इज नीडेड, आप काम कर रहे हैं या यू आर मूविंग ऑन, बट किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, समथिंग इज मिसिंग। और लेट्स फाइंड आउट क्या है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, क्या एनर्जीज है। पहले हम लव लाइफ की बात करते हैं कि जेमिनी पीपल के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है फॉर देयर लव लाइफ। ओके, सो हो सकता है आप पास्ट में आपके पार्टनर के साथ कुछ बात हुई हो जिसकी वजह से यू आर फीलिंग बिट्रेड। वी हैव 10 of Swords हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्सन बहुत ही एग्जॉस्टेड और जैसे कि आप लाइक बर्न आउट और ज़मीन पे वो गिरा हुआ है और उसके पीठ पे देखिए बहुत सारे खंजर है। तो यू आर लाइक फीलिंग बैक स्टैब्ड बाय समबडी, यू लव समबडी और मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है और आप उनको प्यार करते थे, यू वॉन्टेड टू हैव अ फैमिली विद देम। नाउ फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर इज कमिंग और मे बी आप उनसे बात करें, राइट। आपके जो पार्टनर है मे बी हो सकता है वो लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है, मे बी हो सकता है अभी आप लोगों की बात नहीं चल रही है और समबडी इज फीलिंग बिट्रेड हियर। किसी को लाइक बंधा हुआ महसूस हो रहे हो और चाह के भी, जैसे कहते हैं ना, आप कुछ नहीं कर पा रहे, यू वॉन्ट टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दिस एनर्जी, बट आप अकेला महसूस कर रहे हैं। मे बी वर्क वर्क ओनली वर्क और मे बी बिट्रेड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बट मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है मे बी हो सकता है जो आपके पार्टनर है, हो सकता है कि आपको कोई कम्युनिकेशन हो, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। तो समथिंग इज़ रशिंग टूवर्ड्स यू। अब आप, हो सकता है आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन हो, कोई बात हो। एट ऑफ वॉन्ट्स इज लाइक स्विफ्टली समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, मे बी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, समथिंग लाइक दैट। आपकी बात हो, मे बी हो सकता है आप, आई डोंट नो, यू कैन स्विच द रोल्स, मे बी हो सकता है आप रीच आउट करें या वो, लेकिन समथिंग स्विफ्टली इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई बात कर सकता है आपसे। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, सो मे बी हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ मैसेज, सम सॉर्ट ऑफ न्यूज, समथिंग लाइक दैट। और मे बी कुछ आप उनसे मैसेज रिसीव करें अपने पार्टनर से, मे बी हो सकता है समबडी वॉज बींग डिफेंसिव, और हो सकता है कि वी हैव 7 of Wands, तो मे बी हो सकता है पास्ट की वजह से जो भी हुआ उसकी वजह से आप बहुत लाइक लेटली ऐसा फील कर रहे थे, 7 of Wands एनर्जी में थे, आपको लग रहा आप पुरानी बातों को सोच सोच के, यू वर लाइक बींग ओवर एनालाइजिंग थिंग्स, राइट। और आपको वो बहुत लाइक यू आर बींग गोइंग थ्रू अ टफ टाइम,
हियर देन वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. सो मे बी हो सकता है कि योर पार्टनर वॉज नॉट रेडी टू गिव इन समथिंग लाइक दैट. और अब वो मे बी हो सकता है आपको उनसे कोई कम्युनिकेशन मिले, कोई बात हो आपकी, या मे बी हो सकता है ऑप्शन हो सकता है आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हों इन द रिसेंट पास्ट, और मे बी देवर एंटरटेनिंग लाइक टू पीपल एट द टाइम और समथिंग लाइक दैट. कुछ भी हो सकता है, राइट? सो कुछ लग रहा है, मे बी हो सकता है किसी के पास चॉइसेस थी, या आपके पास हो सकती है, आपके पार्टनर के पास हो सकती है, बट कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप लोगों के बीच में इन द रिसेंट पास्ट जिसकी वजह से आप बिट्रेड फील कर रहे हैं और आप लेट गो करना चाहते हैं ऑल द थिंग्स जो भी पास्ट में हुआ, राइट? और मे बी हो सकता है कि कोई है जो किसी को आगे आने से रोक रहा हो. मे बी हो सकता है आपके पार्टनर या मे बी वो ऐसी सिचुएशन में हो. वी हैव अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हेयर. सो मे बी हो सकता है किसी चीज़ की वजह से वो आगे आ ना पा रहे हो, आपको रीच आउट ना कर पा रहे हो, राइट? ऑल दो दे सी अ हैप्पी फैमिली विद यू, बट हो सकता है वो इस वजह से डिफेंसिव मूड में हो, राइट? और बात ना कर पा रहे हो सकता है कोई चीज़ उनको रोक रही हो, होल्ड ऑन कर रही हो. बट सेकेंड वीक में मैं ये देख रही हूँ सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, समथिंग इज स्विफ्टली कमिंग टूवर्ड्स यू. और मे बी हो सकता है आप किसी को रीच आउट करें और आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन हो, कोई बात हो, या समथिंग लाइक दैट, राइट? नाउ लेट्स फाइंड आउट अबाउट योर वर्क लाइफ. जो भी जेमिनी पीपल हैं, कैसी जाने वाली है योर वर्क लाइफ फॉर ऑल द जेमिनी पीपल? वर्क वाइज आई एम फाइंडिंग इट गुड फॉर ऑल द जेमिनी पीपल. मे बी हो सकता है आप किसी चीज़ पे लेटली काम कर रहे थे, और लेट्स फाइंड आउट. ओके, सो आप एज आई टोल्ड यू कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, यू आर गेटिंग न्यूज़ रिलेटेड टू योर मनी. मे बी हो सकता है पहले आप किसी चीज़ में थे, मे बी थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था इन योर वर्क और मनी वॉज एन इशू, या लाइक किसी कोई तंगी चल रही थी, बट नाउ थिंग्स हैव लाइक स्पीड अप हुई हैं कुछ रिसेंटली, और जो आपका जो हार्ड वर्क है दैट इज़ पेइंग ऑफ, राइट? यू आर लाइक मैनिफेस्टिंग समथिंग. तो करियर वाइज एंड मनी वाइज कुछ ना कुछ नया चल रहा है, कुछ एक्साइटिंग चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है. वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स हेयर, राइट? सो आप जैसे आपने कोई हार्ड वर्क किया है दैट इज़ पेइंग ऑफ. वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. ऑल दो यू आर नॉट फीलिंग दैट वे, मे बी हो सकता है किसी चीज़ की वजह से लाइक कुछ लो एनर्जी फील कर रहे हैं, बट मनी वाइज मैं देख रही हूँ आपने कुछ किसी चीज़ पे वर्क किया, वर्क कर रहे हैं, और यू आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन. वी हैव 7 ऑफ वी हैव चैरियट हेयर. नाउ लॉट्स ऑफ लाइक मे बी हो सकता है न्यूज़ रिगार्डिंग योर वर्क. वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो एज आई टोल्ड यू, यू आर मे बी हो सकता है लाइक कुछ भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे लाइक वेरी यंग एनर्जी यंग पर्सन, और आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं. मे बी वुमेन लाइक जो देख रहे हैं वो फीमेल्स हो सकती हैं, और वो किसी चीज़ पे मे बी हो सकता है योर बिजनेस, योर रिलेटेड टू योर बिजनेस, और मे बी यंग एनर्जी मुझे फील हो रहा है. यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग और उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल रही है. काम आपका अच्छा चल रहा है जो भी कर रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग आपको कोई न्यूज़ मिल रही है, राइट? कुछ ना कुछ जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड, राइट? आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे एज आई टोल्ड यू, और अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ. अगर जॉब की भी बात करें तो मे बी हो सकता है वी हैव अ लवर्स कार्ड, राइट? सो आप जो भी काम लाइक जो भी किसी चीज़ में भी कर रहे हैं, सो आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं. कोई ना कोई आपको न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग योर वर्क. लेटली हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आई हो मनी में, बट इस लाइक इस वीक मैं देख रही हूँ कुछ न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ. योर वर्क इज़ गोइंग गुड, और यू वर मैनिफेस्टिंग समथिंग, यू वर वर्किंग ऑन समथिंग एंड दैट इज़ पेइंग ऑफ. वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, राइट? सो दैट इज़ पेइंग ऑफ. जो भी है अच्छा है. वी हैव अ जजमेंट कार्ड.
सब कुछ लाइक विल फॉल इन प्लेस, जो जिस पे भी आपने हार्ड वर्क किया है, फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल फॉर द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, यानी कि 9th of November से लेके 15th of November तक. अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट. थैंक यू सो मच.